नमस्ते दोस्तों, तो हमारे एक भाई का मैसेज आया था कि भाई तुम्हारी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, कौन सा काला जादू करते हो तुम तुम्हारे वीडियो पे। तो भाई देखो, मैं कोई काला जादू वाला जादू नहीं करता, लेकिन मैं एक चीज करता हूँ, वो है OBS की बहुत ही तगड़ी वाली सेटिंग। भाई कसम से बता रहा हूँ, मैंने जब पहला वीडियो रिकॉर्ड किया था, मेरा दिमाग खड़ गया था भाई। मैंने ऑलमोस्ट 60 से ज्यादा वीडियो देख ली थी, क्योंकि मुझे इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी कि मेरा फेस कैम बिल्कुल ब्लरी आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है तो गेम की आवाज नहीं आ रही, गेम की आवाज आ रही है तो मेरी आवाज नहीं आ रही, और ऐसी बहुत सारी चीजें। तुम्हें ये सब फेस ना करना पड़े, इसलिए तुम्हारा भाई आ चुका है। तो तुम्हें जो सेटिंग्स बताएगा, बस कुछ मत करो, आंखें बंद करो और कॉपी पेस्ट करो। नहीं, आंखें बंद मत करना, नहीं तो तुम कुछ और ही कर दोगे, कि खोल के कॉपी पेस्ट करो बस। तो सीधे तुम्हें चले जाना है OBS पे, नहीं सीधे मत जाओ OBS पे। तुम्हें एक सेटिंग बता दो, अगर तुम्हारा वीडियो लैग हो रहा है तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, तुम अपनी ऐप ओपन करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, बस कुछ मत करो, अपने OBS पे क्लिक करो, उसके ऊपर राइट क्लिक करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, सिंपल। 80% ऑफ लोगों का यही पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा लैग का। अगर फिर भी नहीं होता तो भाई तुम CMD VMD डाल के देख सकते हो, या फिर तुम्हारे PC के स्पेक्स शायद लो एंड हो सकते हैं, इसकी वजह से भी लैग हो सकता है। सीधा चलते हैं OBS। OBS में जाने के बाद हम चले जाएंगे सीधा सेटिंग्स में। तुम्हें OBS ऐसा नहीं दिखेगा, तो प्लीज अभी कुछ मत दिमाग लगाओ इतना, क्योंकि तुम्हें अभी ऐसा कुछ नहीं देखने मिलेगा। तुम्हें बस सीधा चले जाना है सेटिंग्स में, फिर आ जाना है आउटपुट में। आउटपुट में स्ट्रीमिंग पे क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ मतलब नहीं हमारा स्ट्रीम से, क्योंकि साला हमारा गेम में 100 से ज्यादा पिन आती है, और यहाँ पे स्ट्रीमिंग में खेल लिए तो फिर तो भाई बेड़ा गरक है अपना। तो इसलिए सीधे चाहेंगे रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग में जाने के बाद टाइप तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है स्टैंड, फिर चले जाना है रिकॉर्डिंग पाथ। रिकॉर्डिंग पाथ में हमेशा एक ही चीज कहूंगा, रिकॉर्डिंग पाथ ऐसी जगह सेलेक्ट करो जहां से तुम अपनी वीडियो को एक्सेस कर सको, नहीं तो पता चला तुमने कहां पे एक्सेस डाल रखा, फिर तुम्हें रिकॉर्डिंग ही नहीं मिल रही, फिर तो भाई हो गया कल्याण। इसलिए बोलता हूँ पाथ सही से ढंग से सेलेक्ट करके रखो, कि तुमने कहाँ पे रिकॉर्ड करनी है और कहाँ पे तुम्हारा स्टोरेज ज्यादा है वहां पे तुम रिकॉर्ड करो, क्योंकि OBS की रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बड़ी होती है, 5-5, 6-6, 8-8 GB की। और फिर आते रिकॉर्डिंग फॉर्मेट MKV। अगर तुम्हारे एरिया में बहुत लाइट जाती है तो भाई MKV में सेलेक्ट करके रखो भाई, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि MP4 में तुम रिकॉर्ड करोगे तो तुम्हारी फाइल का करप्ट होने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं, लेकिन तुम अगर MKV में करते हो 99.99% चांस है कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग बच जाए और करप्ट ना हो। फिर आ जाते वीडियो इनकोडर। अगर तुम्हारा GPU काफी अच्छा है, 3050, 3060, 3070 वगैरह ये है, तो तुम ये वीडियो इनकोडर यूज कर सकते हो, NVIDIA H264 वाला। बता दो, अगर तुम्हारा काफी पुराना है तो इनकोडर यूज मत करना, क्योंकि ये GPU बहुत खतरा है, बहुत खतरा। मेरा GPU ऑलमोस्ट 20% यूज कर लेता है। फिर आ जाते हैं ऑडियो इनकोडर, इस पे कुछ भी मत करना। फिर ऑडियो ट्रैक इंपॉर्टेंट है, 3 सेलेक्ट कर लेना। फिर ये रेजोल्यूशन ये तो वैसे के वैसे छोड़ दो। फिर आ जाते हैं यहाँ पे इनकोडर सेटिंग्स में। इनकोडर सेटिंग में आने के बाद तुमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है CBR, ये बाकी के सेलेक्ट मत करना है यार, CQP नहीं है वगैरह, कुछ भी मत करना। CBR पे आना, बिटरेट रखना 25,000 अगर तुम्हारे PC में स्पेस है तो, अगर PC में स्पेस नहीं है तो बिटरेट थोड़े कम कर लेना। क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, लेकिन ये डिफरेंस तब दिखता है जब तुम किसी बड़ी स्क्रीन और छोटी स्क्रीन में कंपेरिजन करोगे, तब। अगर तुम इससे वीडियो को फोन में देख रहे हो और तुम्हारी बिटरेट 10,000 है तो काफी क्लीन लगेगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम वही चीज PC में देखोगे तो तुम्हें थोड़ा पिक्सेलेटेड और हल्का सा डिफरेंस दिख सकता है। 25,000 इज द बेस्ट, मेरे को तो बेस्ट लगा। और मेरी एक घंटे की रिकॉर्डिंग कम से कम 8 GB की हो जाती है। तुम्हारे हिसाब से देख लेना कि तुम्हारे PC में स्पेस है कि नहीं है, और तुम एक वीडियो एडिट करके डिलीट कर दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाते हैं प्रीसेट पे, बेटर क्वालिटी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे तुम्हारे GPU CPU पे, इसे रखो बस, बेटर क्वालिटी पे छोड़ दो बस। बेस्ट क्वालिटी पे मत रखो, बेटर क्वालिटी पे रखो और छोड़ दो, इससे तुम्हारे PC पे कोई लोड नहीं आता और कुछ नहीं होता, सिर्फ लोड एक ही चीज से आता है, वो इनकोडर ऊपर वाली सेटिंग पे, इस वाले इनकोडर से। ये बहुत खतरनाक GPU खाता है ये, और मैंने खुद टेस्ट करके देखा इसलिए मुझे पता है। और बिटरेट का ऐसा सीन है कि भाई तुम्हें बड़ी स्क्रीन पे फर्क दिखेगा, तो बिटरेट तुम चिल मारो और तुम्हें जो रखना है वो रखो। और मैं तो कहूंगा 25,000 रखो, ज्यादा सही रहेगा कि तुम्हें सामने जब तुम PC पे देखो तुम तो तुम्हें भी अच्छा दिखे थोड़ा दिखने में। फिर आ जाते ट्यूनिंग तुम हाई क्वालिटी रख लो, और ये बाकी जितनी भी चीजें तुम बस कॉपी कर लो, ये यहां से लेकर के यहां तक सारी चीजें कॉपी कर लो बस। उसके बाद हम सीधे चले जाते हैं ऑडियो में। ऑडियो में जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आता डेस्कटॉप ऑडियो। डेस्कटॉप ऑडियो यानी कि तुम्हारी गेम की ऑडियो। फिर आते हैं माइक में। माइक में तुम्हारा जो माइक, मेरा ये है माइक, मैंने इसी माइक को सेलेक्ट कर रखा है, तुम इसे डिफॉल्ट पे मत रखना, और डिसेबल तो भूल के भी मत करना यार, फिर तुम बोलोगे यार मेरी, मैंने इतनी बकवास की गेम में फिर भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारा माइक डिसेबल था। तो इसे अपना जो
भी माइक है उसके ऊपर सेलेक्ट करके रखो हमेशा। फिर उसके बाद आ जाते सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग, वो है वीडियो सेटिंग। वीडियो सेटिंग में तुम्हें यहाँ पे मेरे अलग सा ही रेजोल्यूशन दिख रहा होगा 38x40 और 1080p, लेकिन तुम्हारे इसमें बता रहा होगा 1920x। अगर तुम्हें तुम्हारा फेस कैम रिकॉर्ड नहीं करना तो तुम नॉर्मल रख सकते हो 1920x1080p, वो तुम्हारा नॉर्मल सा अपना यूट्यूब का जो फ्रेम रहती है उसमें ही रिकॉर्ड करेगा। लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारा फेस कैम रिकॉर्ड करना है तो ये छाप लो अभी के अभी, कॉपी कर लो ये 38x40। अब इसकी वजह से क्या होगा कि तुम्हारी दो स्क्रीन हो जाएगी एक की जगह, जहां पे तुम्हें पहले सिर्फ एक ही साइड की स्क्रीन, एक मिनट इसको कैंसिल कर लेता हूं, जहां पे तुम्हें एक ही साइड की स्क्रीन दिख रही थी अब तुम्हें दूसरी साइड की भी स्क्रीन दिख जाएगी और तुम इस स्क्रीन को हिला सकते हो, डुला सकते हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और मैं तो कहूंगा यहाँ पे तुम अपना फेस कैम लगा देना और इस तरफ तुम्हारी गेमिंग वीडियो लगा देना, मतलब जो भी तुम गेम प्ले रिकॉर्ड करते हो उसको इस फ्रेम में सेट कर देना। अब इससे क्या होगा कि तुम्हारी जो वेबकैम की क्वालिटी है वो एक नंबर हो जाएगी। उसके बाद तुम जूम करो, कुछ भी करो, तुम्हारा वेबकैम हमेशा बेस्ट रहेगा। अब तुम बोलोगे कि भाई अब ऐसा रेजोल्यूशन तो यूट्यूब पे चलता नहीं है, तो फिर ये कैसे चल पाएगा? तो तुम्हें इसके लिए जाना पड़ेगा एडिटिंग ऐप में। तो चलो सीधा चलते हैं एडिटिंग ऐप में, डाविंची रिजॉल्व खोल लेते हैं हमारा। अब हमने ले लिया हमारा पुराना गेम, ये यहाँ पे डाल दिया। अब ये एक मिनट, ये जो ट्रैक्स है इन्हें डिलीट कर देते। अब यहाँ पे आने के बाद तुम्हें वैसा का वैसा दिखा। अब तुम्हें क्या करना है कि डुप्लीकेट करना है इसको। अब क्या डुप्लीकेट कैसे करते हैं, अगर तुम प्रीमियर प्रो डाविंची रिजॉल्व चलाते हो तो ऑल्ट दबाओ और इसको ड्रैग करके ऊपर ले लो, हो गई डुप्लीकेट क्लिप। अब जो ऊपर की क्लिप है उसे करना है तुम्हें क्रॉप, क्रॉप पे जा करके बस जो तुम्हारा फेस कैम है, जहाँ पे तुम्हारा फेस का एरिया है उसे बस ऐसे करके ये इधर से और इधर से क्रॉप कर लो। अब ये क्रॉप हो गया, अब ये क्रॉप हो चुका। अब इस क्रॉप को वैसा का वैसा छोड़ दो, फिर आ जाओ नीचे की लेयर पे। अब नीचे की लेयर को मैं क्या करूंगा, ऊपर की जो लेयर है उसे मैं हाइड कर देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से पता चले। अब ये जो नीचे की लेयर है मैं इसे कर दूंगा जूम, और इसे भी पहले चाहो तो तुम क्रॉप कर सकते हो। इसे क्रॉप कर देते हैं हम गेम वीडियो तक, ये बस। अब गेम तक क्रॉप करने के बाद अब इसे कर देते हैं जूम। अब मैंने इसे थोड़ा सा जल्दी जल्दी में किया तो थोड़ा सा ज्यादा जूम हो चुका है, ये कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने हिसाब से परफेक्टली एडजस्ट कर लेना। अब ये देखो, अब ये जैसे मैं इसे वो करूंगा ये आ गया तुम्हारा फेस कैम यहाँ पे ये। अब इस फेस कैम को तुम जहां चाहे वहां लगा सकते हो, जहां चाहे वहां। ये देखो अभी तुम्हें यहाँ पे किसी ने कोई फनी कमेंट कर दिया, तुम्हें यहाँ पे लेके जाना ये तुम्हारा फेस कैम इधर आ गया और बिल्कुल क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इतना जूम कर दिया मैंने, पूरे फ्रेम जितना कर दिया ये कुछ भी नहीं, एक नंबर क्वालिटी, ना तो पिक्सल फटेंगे, ना ही तुम्हारा ब्लर होगा, ना ही कुछ, एक नंबर क्वालिटी रहेगी हमेशा ही। तो इसलिए अगर तुम फेस कैम रिकॉर्ड कर रहे हो तो मैं जैसे रिकॉर्ड करता हूँ वैसे ही रिकॉर्ड करो, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी रहेगी तुम्हारे फेस कैम की और तुम्हारा तुम जहाँ चाहे वहाँ मूव कर सकते हो। ये तो हो गई फेस कैम की बात। फिर आते हैं ऑडियो ट्रैक की, तुम्हें ऑडियो ट्रैक दोनों अलग करने, तुम्हारे गेम का ऑडियो अलग और तुम्हारा ऑडियो अलग। तो उसके लिए काफी सिंपल और एकदम सरल ट्रिक है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है ऑडियो मिक्सर में। ऑडियो मिक्सर में आने के बाद सबसे पहले तुम्हारा जो डेस्कटॉप ऑडियो है उसे तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है ट्रैक नंबर 1 और 2 में। मैंने जैसे बोला वैसे ही करो, ट्रैक नंबर 1 और 2 में करो, और जो तुम्हारी माइक के ऑडियो है उसे ट्रैक नंबर 1 में सेलेक्ट करो और ट्रैक नंबर 3 में सेलेक्ट करो। अब तुम देखोगे कि भाई डेस्कटॉप और माइक दोनों ट्रैक नंबर 1 में सेलेक्ट है, इससे क्या होगा तुम दोनों उन दोनों के ऑडियो मिक्स हो जाएंगे। तुम बोलोगे भाई हम दोनों को अलग रखने दे। अब ये मिक्स इसलिए किए क्योंकि जब भी तुम इसे प्लेबैक करोगे VLC में तो ये तुम्हें प्रॉपर आवाज सुनाई देगी। अगर तुम इन दोनों को अनटिक कर दोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि VLC में ट्रैक जो पहला ट्रैक होता है सिर्फ उसी की आवाज आती है। अगर मैं इन दोनों को अनटिक कर दो और पहला ट्रैक यानी कि यहाँ पे 2 हो जाता है तो सिर्फ डेस्कटॉप की ऑडियो आएगी, मेरी ऑडियो नहीं आएगी और तुम्हें लगेगा भाई मेरी ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, तुम बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देख लोगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इसे 1-2 ट्रैक में सेलेक्ट करो। अब तुम बोलोगे कि भाई ये तो हो गया, ऑडियो कैसे एडिट करनी है? तो चलो ऑडियो एडिट करना भी बता देते, तो मैं फिर से चलते डेविंची रिजॉल्व में और यहाँ पे फिर से ले लेते हैं उसी ट्रैक को, क्या इजी रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ चुके हैं ऑडियो ट्रैक पे। अब जो पहला ऑडियो है अब इसमें दोनों ऑडियो मिक्स, इसमें दोनों मिक्स है यानी कि मेरी भी ऑडियो आएगी एंड गेम की भी ऑडियो आएगी। अगर इन दोनों को म्यूट कर दो, मान लो मैंने नीचे वाले दोनों को म्यूट कर दिया, अब ऊपर के देखो तुम सिर्फ आवाज पे ध्यान दो, विजुअल्स पे मत जाओ। अरे गेम की आवाज और मेरी आवाज दोनों की आ रही होगी, लेकिन मैं जैसे ही इसे म्यूट कर देता हूँ और जो सेकंड ट्रैक है उसे अनम्यूट कर देता हूँ तुम्हें सिर्फ गेम की ही आवाज आएगी, मेरी आवाज नहीं आएगी। सुन, सिर्फ गेम की ही आवाज आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही। पर जैसे ही मैं अगर इसे म्यूट कर दूं और सबसे आखिरी वाला कि तीसरा ट्रैक है उसे ओपन कर लूं तो सिर्फ मेरी आवाज आएगी, गेम की आवाज बंद हो जाएगी। तो तुम्हें यहाँ पे एक ही चीज करनी है, वो करनी है
कि जो ट्रैक नंबर वन है उसे डिलीट कर दो, क्योंकि सिर्फ वो VLC में ही अपन को चाहिए ताकि हम दोनों के ऑडियो को सुन पाए, गेम के ऑडियो और खुद के ऑडियो, नहीं तो VLC में सिर्फ एक ही ऑडियो आएगी, तुम फिर से वही परेशान हो जाओगे। तो इसलिए ट्रैक नंबर वन को उड़ा दो और बाकी दोनों ट्रैक तुम्हारे काम के। अब यहाँ पे तुम्हें मान लो कि तुम्हारे दोस्त ने कोई जोक मार दिया लेकिन बहुत धीरे बोला है, तो उसको ऑडियो को तुम बढ़ा सकते हो, एक सिलेक्ट करके तुम उसकी ऑडियो को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और तुमने कोई जोक मारा है और उस टाइम फायरिंग हो गई और तुम्हारी आवाज दब गई है उसमें, तो उस आवाज को भी तुम बढ़ा सकते हो और ऊपर की आवाज को कम रख सकते हो। तो तीन ट्रैक पे रिकॉर्ड करना काफी बढ़िया रहता है और काफी तुम्हारे हाथ में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि तुम अपना फेस कैम मूव कर सकते हो, तुम अपनी आवाज बढ़ा सकते हो, या फिर तुम्हारे दोस्त ने किसी ने कुछ गाली वाली दे दी तो उसे म्यूट कर सकते हो। बस इतना ही कहना, गला सूख गया भाई बोलते बोलते। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर। भाई पानी पिला दो भाई, पानी भी खत्म हो गया। तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पिछले 5 मिनट से लगातार बोल रहा हूँ। बाय।